नमस्कार, आप लोग का एसपी गिरजा चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे गोदाम वायरिंग कैसे किया जाता है और जो है इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। इसका उपयोग जैसे कि सुरंग वगैरह जो होता है, जैसे कि एनटीपीसी हुआ, आपका कोयला खदान हुआ, वहाँ पर ये गोदाम वायरिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए हम इसका डायग्राम समझेंगे। ये डायग्राम जो है हम बना के रखे हैं, आप लोग को दिखाएंगे और इसको समझाएंगे इसका करेक्शन कैसे किया जाता है। इससे पहले आप लोग से एक निवेदन है कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है टू वे स्विच लेंगे। देखिए टू वे स्विच हम कितना पीस लिए हैं, 5 पीस लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पांच पीस जो है वन वे स्विच लिए, ठीक है। और जो है 4 लैंप लिए हैं, यानी बल्ब 1, 2, 3, 4 4 लैंप लिए हैं, ठीक है। चलिए हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम जो है एक वायर की मदद से हम देखिए पांचों स्विच के नीचे वाला पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। पांचों स्विच के नीचे वाला पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है। फिर एक फेज वायर को लेकर ऊपर वाला टू वे स्विच के ऊपर वाला पॉइंट पे सभी पे हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम फेज वायर को ऊपर वाले साइड में कनेक्ट कर दिए हैं। कौन सा वायर? फेज वायर। हम जो फेज वायर लिए हैं देखिए रेड कलर का लिए हैं, ठीक है। ये रेड कलर का फेज वायर लिए हैं। चलिए हम न्यूट्रल जो है इनपुट करते हैं। यहाँ मेरा न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ से हम जो है न्यूट्रल वायर नीचे वाला पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। फिर यहाँ से फेज न्यूट्रल हम सप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका जो है लैंप का कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले समझिए ये 4 लैंप है, ठीक है, जिसमें देखिए हम जो है ग्रीन कलर का न्यूट्रल वायर लिए हैं और जो है रेड कलर का जो है फेज वायर लिए है। चारों लैंप में उसी तरह है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का जो है ये लिया है न्यूट्रल वायर और रेड कलर का लिया है फेज वायर, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो लैंप है उसका कनेक्शन समझते हैं। देखिए फर्स्ट वाला का जो है न्यूट्रल वायर यहाँ से हम लेकर आए हैं। देखिए हम जो है टू वे स्विच के बीच वाला पॉइंट पर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। फिर जो है एक रेड वाला वायर जो है यहाँ पे कनेक्ट कर दिए दूसरा वाला स्विच में, ठीक है। फिर जो है फिर दूसरा बल्ब का जो है फेज वाला वायर जो है इसमें कनेक्ट कर दिया है बीच वाला पॉइंट पे, जो है सेकंड वाला स्विच जो होता है ना उसके बीच में कनेक्ट कर दिया है। फिर जो है इसका न्यूट्रल वायर जो है और इस बल्ब का न्यूट्रल वायर एक में जोड़कर हम कनेक्ट कर दिया। देखिए क्या ये और ये कर दिया है। चलिए और जो है ये दोनों बल्ब का फेज वाला वायर जो है दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया इस वाला स्विच में, ठीक है। फिर एक न्यूट्रल वायर बचता है, फिर हम इस साइड में बीच में कनेक्ट कर दिए हैं लास्ट में, ठीक है। चलिए हम इसमें सप्लाई देकर चेक करते हैं। इससे पहले आप लोग को दिखाएंगे हम जो कनेक्शन करके रखे हैं बोर्ड में उसके बारे में समझाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए देखिए हम 4 लैंप लिए हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और जो है टू वे स्विच 5 पीस लिए हैं, पांचों जो है टू वे स्विच है, ठीक है। हम जो है सप्लाई इनपुट करने के लिए एक ग्रीन कलर का लिया है वायर, एक जो है ब्लैक कलर का वायर लिया है, ठीक है। इसको हम न्यूट्रल के लिए उपयोग करेंगे और जो है ग्रीन कलर जो है इसको हम फेज के लिए उपयोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझिए टू वे स्विच में 3 पॉइंट होता है, आप लोग जानते ही हैं। 1, 2, 3 3 पॉइंट होता है। देखिए 3 पॉइंट है इसमें, 1, 2, 3। और जो है 4 जो लैंप है उसमें देखिए न्यूट्रल वायर जो है हम पीला लिए हैं
और जो है ग्रीन कलर का जो है ये फेज वायर हम लिए हैं। ठीक है, देखिए ये एक यहाँ पे लैम्प का है, एक लैम्प का यहाँ पे है, एक लैम्प का यहाँ पे है, एक लैम्प का यहाँ पे है वायर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जो है देखिए यहाँ सबसे पहले हम इनपुट करते हैं न्यूट्रल वायर। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल वायर है, देखिए न्यूट्रल वायर है, इसको इनपुट किए, फिर एक वायर की मदद से नीचे कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल वायर। ठीक है, उसके बाद जो है फेज वायर हम लेते हैं। फेज वायर हम जो है ग्रीन कलर का लिए हैं, आप लोगों को पहले भी बताए थे। देखिए न्यूट्रल वायर जो है ग्रीन कलर का लिए हैं, देखिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिए फेज वायर, फिर जो है एक वायर की मदद से पाँचों स्विच के ऊपर वाला पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कनेक्ट किए हैं, सब में कनेक्ट कर दिए हैं। चलिए अब जो है लैम्प का कनेक्शन करते हैं। लैम्प का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले देखिए ये जो है पीला वाला वायर जो है इसको न्यूट्रल के लिए उपयोग किए हैं, और जो ग्रीन कलर का वायर है इसको हम फेज के लिए उपयोग किया है। चलिए एक न्यूट्रल वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, फिर जो है फेज वाला वायर यहाँ इस वाले स्विच में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरा लैम्प का जो है ये जो है दूसरा लैम्प का जो है दूसरा लैम्प का फेज वाला वायर इसी में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर जो है जो इस लैम्प का जो न्यूट्रल वाला वायर देखिए यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं, फिर इस लैम्प का जो है न्यूट्रल वाला वायर एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं। देखिए फिर जो है इस लैम्प का जो है फेज वाला वायर और इस लैम्प का फेज वाला वायर एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं, फिर इसका जो है न्यूट्रल वायर यहाँ पे लास्ट में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, लास्ट में जो है दोनों साइड न्यूट्रल कनेक्ट किए हैं, देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर भी दो फेज जुड़ाएगा, एक न्यूट्रल जुड़ाएगा, दो फेज जुड़ाएगा। ठीक है, चलिए चलिए हम इसमें सप्लाई देकर चेक करते हैं कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम इसमें जो है लैंप लगा लेते हैं। चलिए आप लोग ध्यान देखिए, यहाँ पे जो है हम सप्लाई दे दिए हैं फेज न्यूट्रल। चलिए इसको ऑन ऑफ करते हैं, ये कैसे वर्क करता है। इसमें जो है ना गोदाम वायरिंग जो होता है, जैसे कि हमको आगे बढ़ना है, जैसे यहाँ से हमको आगे बढ़ना है तो इसको हम दाब देंगे, ये फर्स्ट वाला स्विच ऑन हो जाएगा। जैसे ही इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ना है तो इसको हम दबा देंगे, देखिए आगे वाला चालू हो गया, पीछे वाला बंद हो गया। ठीक है, जैसे सुरंग में हमको और आगे जाना है गोदाम में, देखिए इसको ऑन करेंगे ये बंद हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा, फिर हमको आगे और जाना है। देखिए यहाँ पे हमको पहुँच गए, उसके बाद पीछे वाला बंद हो गया। जैसे हमको गोदाम से हमको बाहर निकलना है तो यहाँ पे स्विच को बंद कर देंगे, देखिए बंद हो गया। फिर हमको उधर से जैसे कि उधर से आना है, फिर हमको देखिए यहाँ से स्टार्ट कर दिए, देखिए फिर हमको आगे और जाना है, आगे वाला बंद चालू हो गया, पीछे बंद हो गया, फिर आगे जाना है, देखिए आगे वाला चालू हो गया, पीछे बंद हो गया, फिर आगे जाना है, देखिए आगे वाला चालू हो गया, पीछे बंद हो गया, फिर यहाँ से हम बंद कर देंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आप लोग कनेक्शन कैसा लगा आप लोग को, और जो ये प्रैक्टिकल जो किए हम, आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर जरूर भेजिएगा। ठीक है, थैंक यू।